आर्टिस्ट जो भी हैं, पीके राय मेमोरियल कॉलेज के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो तैयार है ना, वो तैयार है। अब आप अपने सेटअप को लगाना शुरू करें, हो गया है मेरा सुबह से सोने का तो इतना लेट होता ही नहीं।
जी
चलिएगा खाना पीना खा के फोन घड़ाइएगा तो देखते कहाँ तक पहुँचा है। क्या बोला था तुमने? कुछ नहीं, बोला कि बैठ गए थे जाने में उसको बहुत लेट हो गया था, तो जनरल बोगी में बैठा है, समय मिलते ही बदल लेगा वो। अच्छा 100 रुपया है? है तो नहीं कहा है? कहेगा अपना खाना अपन बेटी के ब्याह पे मिलता है तो खाली हाथ रहेगा। आएगा बोलेगा गांव वाला। अरे तभी है ना 5 दिन, तुम रोटी दो। सब्जी तो नहीं मिलेगा, डर तो बोलेगा जी। पानी वानी है क्या? हाँ है, तो पापा को पानी दो। हाँ दो ना पानी। सुनो कौन आ रहा है? ये 100 रुपये बोलो, ये 100 रुपये चढ़ा दो चंडे भैया। हेलो हेलो विनोद चाचा। हाँ हम राकेश बोल रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। पूछ रहे थे इस वक्त चेन्नई गया है? हाँ कल ही तो गया है। अच्छा कल गया है? हाँ बाकी कोलकाता से आज ही गाड़ी बैठा है। तो कौन बात है? कौन गाड़ी पकड़ा है चाचा? अरे वह जेकरा से जाता है 3 बजे बाद, कोची नाम है कमंडल। कोरमंडल? हाँ हाँ वह कहे कब आ? अरे तो बेटा चाचा उड़ीसा में बोले ट्रेन पलटी हो गया है। हाँ भद्रक पार करके बाजार पड़ता है ना, वहीं साथ में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अच्छा ट्रेनों को पुल लगाए लगी नहीं रहा है चाचा। अब तो गया साथ में चाचा? हाँ वो भरता के बेटा गया साथ में के बबलू। हाँ उसको तो कितना बार फोन लगा है, स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा ये बताइए स्लीपर कहीं रिजर्वेशन था? हाँ अब बोगी नंबर पता है चाचा? हाँ S2। लेकिन वो जनरल बोगी में बैठा था, जाते समय उसको लेट हो गया तो बोला समय मिलते ही हम बोगी पता लेंगे। कब बात हुआ चाचा आपसे? 4 बजे। विनोद चाचा ध्यान से सुनिए, व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे। हम कलकत्ता से निकल गए हैं, बस पकड़ के जा रहे हो उड़ीसा चाचा। एक्सीडेंट हो गया। तो एक काम करो, चक्का बुक करो, 8-10 आदमी
अरे हम भलाइंगे एक मुखिया नहीं रहे, लेकिन गांव में किसी के साथ कुछ होता है तो हम एक पैर पे खड़ा हो जाते हैं, होते कि नहीं है? बताइए। अरे इंसान अगर दुख तकलीफ में साथ नहीं देगा तो कब देगा? मत कीजिए। अरे नहीं है पैसा तो उसका भी उपाय है ना, हम कल ही गांव में चलने के लिए कह देते हैं। यही ना होगा कि एक दिन हम उदय से पहुंचेंगे। पर अभी हम देख के आते उधर क्या चल रहा है बना है? हम उधर पार्टी देखे,
क्लेशर नहीं था, दूसरा था। जब पार्टी देख रहे थे तो आदमी आया रूप के अब्यूज का आदमी ले गया साथ गिटार है ना आप लोग पहले यहाँ आ जाइए। अरे सरकार ऐलान कर दी है ना के पेशेंट को 12 लाख मिलेगा इलाज वाला के साथ साथ मृतकों वाला मैं देख लिया चाचा क्लेशर कहीं नहीं मिल रहा है। कम से कम एक काम कीजिए मीडिया वाला को बुलवा लीजिए और बता दीजिए कैसा ऐसा बात है। आदमी को जानकारी तो होगा ना, नहीं तो ऐसा ना होती। अच्छा ठीक है चाचा, एम्बुलेंस आया जा रहे देखने। ठीक है ठीक है। किसका नंबर खोल रहा? अरे वो बाजार वाले साहब जी का क्या नाम था? किसका? अरे वो बाजार वाले साहब जी, अरे जी का पट्टी में बड़ा सुलभा का गेट है के रामचंद्र साहब। हाँ रामचंद्र साहब, वो तो मीडिया में ना रहते हैं। हाँ उन्हीं को फोन करते हैं। हेलो, हाँ बोलिए मुखिया जी। अरे रामचंद्र साहब बोल रहे थे कि थोड़ा विनोद यादव के घर पर थोड़ा आते तो क्या कवर करे आप ही बताइए। और प्रोड्यूसर से बात नहीं ना सुनना है, बाकी हम लोग जा रहे हैं घटना स्थल से देखते हैं। अच्छा बताइए कहीं बॉडी उडी मिले तो ठीक है, हम किसी को भेज देंगे। देख रहा है लोग वहीं पे हमारे घटना का प्रभाव इम्पोर्टेंट नहीं है, घटना इम्पोर्टेंट है। ये है मीडिया का, जनता अपना जख्म देखे, मीडिया अपना मार के, दर्शक अपना आग सकेगा, प्रोड्यूसर अपना फाट। चलते हैं नहाना आना पड़ेगा, तुम भी नहा कर वहीं पे आ जाना, गाड़ी मेरे घर पर ही आएगा। ठीक है प्रणाम। शादी वाला घर के पास पहुंच गए। हाँ 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 सीधे आ जाइए, फिर निकल जाए। हाँ आइए सीधे आइए। यहाँ इंटरव्यू लेना होगा। दिक्कत होगा? नहीं मैंने तो जाएगा, एक काम करिए खटिया को थोड़ा साइड कर दीजिएगा, यहाँ पे बोरा बिछा के मान को बैठा दीजिएगा, तब तक हम ठीक कर लेगा। कैमरा यहाँ लगा दो। सुनिए उनकी वाइफ को भी बुला लीजिएगा, यहाँ कैमरा लगाना सबको आना चाहिए। जी उनकी पत्नी को बुला लीजिएगा। आप लोग से दो प्रश्न करेंगे, कोशिश करिए कि सामने दिख के जवाब दे पाए। ठीक है तो शुरू करते हैं। नमस्कार, हम आज आ गए दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के बनियारी गांव में, जहां से हमें सूचना मिली थी बीते पिछले 2 तारीख को हुए रेल दुर्घटना का शिकार हो गया इनका बेटा। घर पर पसरा मातम सन्नाटे का सबब है अखिलेश कुमार का गुमशुदा होना। आइए जानते हैं उनके परिवार वालों से कि क्या था पूरा मामला। तो आप अखिलेश की माता जी हैं, रोइए मत, बताइए अखिलेश कुमार कहाँ जा रहा था? चेन्नई जा रहा था काम करने।
अच्छा चुनने जा रहा। क्या काम करता था अखिलेश कुमार? गरीब का बाल बच्चा मजदूरी करता। अभी काम शुरू ही करने जा रहा है या पहले से वही रहता था? हर साल से वही काम कर रहा था। जरूरत पड़ने पर या तीज त्यौहार में आया करता था घर। तो इस बार अखिलेश कुमार क्यों आया था? शादी ब्याह लगा था तो वही शादी करने आया था। अच्छा शादी करने आया। कितने तारीख को हुई अखिलेश की शादी? पिछले 11 तारीख को तो हो गई थी। मेरे को पता नहीं हुआ दुर्घटना हो गया। हिम्मत रखिए चाची जी, हम लोग आपको मदद के लिए। अच्छा चाची जी, ऐसा कहा जाता है कि शादी के एक महीना तक लड़का और लड़की घर से बाहर नहीं निकलते, तो ऐसा क्या मजबूर किया गया कि एक महीना के अंदर ही उसे बाहर जाना पड़ा? बहुत ये भुखमरी में नहीं कमाएगा तो हम लोग का फिर कौन बनेगा? हम तो मना कर ही रहे थे, मजा पर कर्जा है बोलते चला गए। अच्छा एक बात बताइए, उनके पिताजी क्या करते? वो है या वो है? वो काम नहीं करते। क्यों? वो उनको पे किया जाता है। क्या बोले आप? काम करते हैं ना, तो फिर हम मजदूरी कर रहे थे तो छतवा पे ईटा चढ़ा रहे थे, तो उसी टाइम हमको मिट्टी का जोड़ का झटका आ गया, तो हम सीढ़ी में गिर गए, तो माथा का पूरा फूट गया, 6 टाका लग गया। तब जो अखिलेश का बोला कि पापा तुमको नहीं काम करना होगा, हम करें, तो हम करते हैं। अच्छा चाचा जी, आपको दुर्घटना का खबर मिलने के कितने देर बाद आप यहाँ पहुँचे? तालियों की गड़गड़ाहट से